अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई दफ्तर जाने से पहले ही अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया, गिरफ्तार होंगे, कर लिए जाएंगे वगैरह वगैरह। आम आदमी पार्टी की पूरी फौज जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस कि अरविंद केजरीवाल के साथ न तो पूरे सांसद आए, विधायक और पार्षद भी आधे ही दिखे। मतलब कि अपने पार्षदों और विधायकों को भी पार्टी इस सबसे महत्वपूर्ण इवेंट में शामिल करवाने में नाकाम रही। धूमधड़ाके के साथ अरविंद केजरीवाल सीबीआई ऑफिस पहुंच 9 घंटे लंबी पूछताछ के बाद लौटे और इस दौरान उनसे 56 सवाल पूछे गए। केजरीवाल कहते हैं कि हमने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन उनके जवाबों का साक्ष्यों के साथ सीबीआई को मिलान करना है और पता लगाना है कि केजरीवाल के जवाब कितने सच्चे थे और कितने झूठे। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जानी है। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल ये नहीं बता पाए कि आबकारी विभाग की वह लापता फाइल कहाँ है, जिसकी तलाश सीबीआई और ईडी दोनों ही को है। और भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके तसल्ली बख्श जवाब केजरीवाल नहीं दे पाए। सीबीआई अफसरों ने ये भी पूछा कि आबकारी नीति कब और क्यों शुरू की गई थी। केजरीवाल ने दावा किया कि शराब घोटाले के आरोप झूठे हैं और सीबीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। सीबीआई की पूछताछ के बाद घर लौटकर केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने उनसे सब कुछ पूछा, मसलन शराब नीति कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वहां से लेकर पूरा अंत तक सभी सवाल पूछे। साल 2020 से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ उस सब के ऊपर लगभग 56 सवाल पूछे गए। केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से फर्जी और गंदी राजनीति से प्रेरित है, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीबीआई अधिकारियों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मुझसे दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण तरीके से सवाल पूछे, मैंने उनके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया, वो हमें बदनाम कर आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम मर मिट जाएंगे लेकिन अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली में जो अच्छा काम हो रहा है और जो अब पंजाब में भी होने लगा है, भाजपा कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वो गुजरात में एक भी स्कूल नहीं बना सके, वे हमें बदनाम करना चाहते हैं ताकि हम खत्म हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से 16 अप्रैल 2023 को इस मामले में पूछताछ करने और विभिन्न सवालों के जवाब पाने के लिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया था। वह आज जांच में शामिल हुए और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल के बयानों की पुष्टि की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों से मिलान किया जाएगा। लापता फाइल के बारे में भी पूछे सवाल, अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने मुख्यमंत्री से नीति निर्माण प्रक्रिया और विशेष रूप से उस फाइल के बारे में पूछताछ की जिसका पता नहीं लग सका है और जिसे पहले कैबिनेट के समक्ष रखा जाना था। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति की राय और इस पर सार्वजनिक एवं कानूनी राय वाली फाइल्स को कैबिनेट के समक्ष नहीं रखा गया था और ये अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से ये भी सवाल किया गया वे मंजूरी से पहले नीति निर्माण में शामिल थे या नहीं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में सीबीआई ने टीएमसी के एक और विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार 55 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया। सूत्रों का कहना है कि साहा जांच में सहयोग तो नहीं ही कर रहे थे, साथ ही उसने सबूतों को भी मिटाने की कोशिश की। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा से मुर्शिदाबाद जिले में उनके आवास पर सीबीआई पूछताछ कर रही थी। सीबीआई की टीम गिरफ्तार करने के बाद साहा को कोलकाता ले गई है। साहा तीसरे ऐसे टीएमसी के विधायक हैं जिनको सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। इससे पहले सीबीआई ने इस पूरे मामले में माणिक भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ मुर्शिदाबाद जिले में शाहा के आवास पर पहुंची। सूत्र बताते हैं कि उम्मीदवारों की भर्ती से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज शाहा के आवास से बरामद किए गए थे और जांच एजेंसी द्वारा जब्त किए गए थे। छापे के दौरान साहा ने कथित तौर पर अपने 2 मोबाइल फोन अपने आवास के पास एक तालाब में फेंक दिया, लेकिन तलाशी अभियान के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने साहा का एक फोन तालाब से बरामद कर लिया, जबकि दूसरा फोन अभी भी बरामद नहीं हुआ है। तालाब से पानी निकालने के लिए पंप लगाया गया था। मोबाइल फोन बरामद करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तालाब में 2 और मोटर पंप लगाए गए।
घोटाला में साहा की संलिप्तता के बारे में अधिक सबूत प्राप्त करने के लिए उन मोबाइल फोन्स को ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। उन फोन्स से डिजिटल डेटा और सबूत बरामद किए जा सकते हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की विपक्षी सियासत उलटफेर के दौर में है। जो सब उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, अब वैसा ही कुछ एनसीपी में होने जा रहा है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच की खाई चौड़ी और गहरी होती जा रही है। इसके बीच अमित शाह के महाराष्ट्र आने के बाद एनसीपी में धमाके तेज हो गए हैं। माना जा रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच लंबे अरसे से जारी शीत युद्ध अब निर्णायक मकाम पर पहुंच गया है। पार्टी में दो धड़े बन गए हैं, एक वे हैं जिनका लंबा राजनीतिक करियर बाकी है और दूसरे वे जो अपनी पारी करीब करीब पूरी कर चुके हैं। सामने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाला एमवीए गठबंधन या फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन, चुनाव इन दोनों के बीच होना है और पलड़ा बीजेपी का भारी है। इसी वजह से अजीत पवार बीजेपी के साथ जाने को बेकरार हैं। उन्होंने साफ तौर पर शरद पवार को कहा कि पार्टी को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे अजीत ने दलील दी है कि वह और पार्टी में कई अन्य विधायक विभिन्न एजेंसीज के हाथों परेशानी का सामना कर रहे हैं और अब वे इसका अंत चाहते हैं। हालांकि शरद पवार बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं और खबर है कि उन्होंने अपने भतीजे से कह दिया है कि वे अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में अजीत पवार के करीबियों ने पार्टी के 54 विधायकों में से अधिकांश को अपने पक्ष में करने के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर पार्टी के पुराने नेताओं ने बड़े पैमाने पर पवार के साथ रहना चुना है और अब ये सुनिश्चित करने के लिए पार्टी विधायकों को फोन मिलाना शुरू कर दिया है कि वे अजीत के साथ न जाएं। एनसीपी की इस लड़ाई में संजय राउत भी कूदकर सामने आ गए और अजीत पवार के खिलाफ फील्डिंग सजाने लगे। संजय राउत ने दावा किया कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा कि अगर कोई खुद बीजेपी में शामिल होने का फैसला लेता है तब भी उनकी पार्टी भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाएगी। राउत ने सामना में प्रकाशित अपने लेख में लिखा कि वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता में बहुत गुस्सा है। भाजपा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति राजनीतिक आत्महत्या करेगा, ठाकरे और पवार ऐसा महसूस करते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि ठाकरे के साथ बैठक में पवार ने कहा कि वह पाला बदलने वालों से कहना चाहते हैं, ईडी और सीबीआई की फाइल्स टेबल से उठाकर अलमारियों में चली जाएंगी। राउत ने कहा कि राजनीतिक हलकों में अजीत पवार के भावी कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और एनसीपी के वरिष्ठ नेता को स्वयं इसे स्पष्ट करना चाहिए। एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना के नेता दादा भोसे ने कहा कि अजीत पवार कई साल से एनसीपी में बेचैनी महसूस कर रहे हैं। हम सभी ये जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि अजीत पवार ने अमित शाह से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अजीत के इस इनकार के बावजूद ये सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या वह एनसीपी को तोड़ लेंगे या अपने कदम को थोड़े दिनों के लिए रोकेंगे या फिर पहले ही की तरह एनसीपी में नंबर दो के नेता बने रहेंगे। अगले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा, लेकिन इन घटनाक्रमों ने चाचा और भतीजे के बीच शीत युद्ध को एक निर्णायक चरण में जरूर ला दिया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अतीक अहमद और अशरफ का मामला सियासत की गलियों से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। प्रयागराज की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई तमाम मुठभेड़ों की जांच की मांग की गई है। याचिका वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई है। याचिका में विशाल तिवारी ने साल 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर्स के स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से जांच कराए जाने की अपील की है। हालांकि ऐसी ही मांग असदुद्दीन ओवैसी और कपिल सिब्बल जैसे नेता भी कर चुके हैं। याचिका में अतीक और अशरफ की हत्या की जांच की भी मांग शामिल है, जिसके लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। अपनी याचिका में वकील विशाल तिवारी ने यूपी पुलिस को डेयरडेविल्स कहा। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने इस जनहित याचिका के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही मुठभेड़ों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आप को खतरों का खिलाड़ी बताने की कोशिश कर रही है। ये जनहित याचिका कानून के नियमों के उल्लंघन और पुलिस बर्बरता के खिलाफ आर्टिकल 32 के अंतर्गत दायर की जा रही है। इस याचिका में विकास दुबे एनकाउंटर की जांच की मांग है, साथ ही अतीक अशरफ की हत्या की जांच की मांग है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के विधान पर खतरा है। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वरना ऐसी हरकतों से अराजकता फैलती है और राज्य में पुलिस तंत्र की स्थापना होती है।
याचिका में विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुई सभी 183 मुठभेड़ों की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से जांच कराए जाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने इस समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के ही किसी पूर्व न्यायाधीश को बनाए जाने की मांग की है। विशाल तिवारी की इस जनहित याचिका को मुस्लिम समाज में शक की नजर से देखा जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि विशाल तिवारी की ये याचिका एक साजिश भी हो सकती है। कमजोर दलीलें देकर सुप्रीम कोर्ट से मामले को रफा दफा कराने की इस मामले पर भारत सरकार के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व सदस्य और फिलहाल वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट नामक संगठन से जुड़े डॉक्टर मेराज हुसैन ने लिखा कि ये विशाल तिवारी कौन है। कई बार ऐसा होता है कि कमजोर सा केस फाइल करके उसे रिजेक्ट करा दो कि कोई और मूव न कर पाए। ये उसी गैंग का मेंबर तो नहीं? मोहम्मद सुहेल ने भी डॉक्टर मिराज हुसैन की हाँ में हाँ मिलाई है। नसरत खान ने विशाल तिवारी को देशद्रोही बताया और इसके अलावा इरफान अहमद ने लिखा कि ये इसलिए दायर की गई है कि बयान या जवाबदारी न देनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन बताकर चुप रहने के लिए इन सभी के अलावा कई अन्य यूजर्स ने भी विशाल तिवारी की मंशा पर शंका जाहिर की है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर थर्ड डिग्री के इस्तेमाल के आरोप लगाए और सीबीआई का समन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल तो पूरी लिस्ट लेकर बैठ गए और शराब घोटाले में गिरफ्तार भी आरोपितों के खिलाफ मारपीट और डराने धमकाने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि चंदन रेड्डी को इतना मारा कि उसके कान के पर्दे तक फट गए। किसी को ये धमकी मिल गई, देखते हैं कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। मतलब कि जितने किस्म के घटिया आरोप हो सकते थे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने सब गिन गिन कर ईडी के खिलाफ लगाए। केजरीवाल के इन आरोपों को फर्जी और झूठा बताते हुए अब ईडी ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा था कि ईडी शराब नीति घोटाले में आरोपी नेताओं को टॉर्चर कर रही है और उनको प्रताड़ित करके बयान लिया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी पर आरोप लगाया था। एजेंसी ने पलटवार करते हुए कहा कि उसके पास सभी पूछताछ और जांच के ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि ईडी सभी आरोपियों के पूरे सीसीटीवी फुटेज रखती है। रिसेप्शन पॉइंट जहां कोई ईडी कार्यालय में प्रवेश करता है से लेकर पूछताछ कक्षों के अंदर तक के रिकॉर्ड्स मौजूद रहते हैं। अब तक शराब नीति घोटाला मामले में आरोपियों के बयान ऑडियो और वीडियो दोनों ही तरह से रिकॉर्ड किए गए हैं। सीसीटीवी नेटवर्क पूरे कॉरिडोर, पूछताछ कक्ष और लॉकअप सेल का कवरेज प्रदान करता है। किसी को न तो टॉर्चर किया जाता है और न ही किसी से कोई जबरदस्ती बयान ही लिया जाता है। ईडी का नया मुख्यालय एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है। ये एक आधुनिक कार्यालय है जिसमें कांच की बड़ी खिड़कियां और केंद्रीय रूप से वातानुकूलित कमरे हैं। इस इमारत की तीसरी मंजिल पर पूछताछ कक्षों के ठीक सामने कम से कम आधा दर्जन लॉकअप्स हैं, जहां पर आरोपी को हिरासत में लेने के तुरंत बाद स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे पहले ईडी को एक आरोपी को रात भर रहने के लिए इमारत से बाहर पुलिस स्टेशन शिफ्ट करना पड़ता था। अधिकारी ने बताया कि ईडी ने प्रत्येक मामले और अभियुक्तों के लिए एक एसओपी तैयार की है। इससे पूछताछ, गिरफ्तारी, हिरासत में उपचार के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की अनुमति मिलती है। एसओपी में परिसर में प्रवेश के समय बयानों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो पहचान के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं। ऐसे में इस प्रकार टॉर्चर के दावे निराधार हैं, केवल राजनीतिक बयानबाजी है। अरविंद केजरीवाल से एक दिन पहले उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया था कि शराब नीति घोटाला मामले में जब ईडी अपने आरोपों को साबित करने में नाकाम रही तो अब सिसोदिया पर मोबाइल तोड़ने, सबूत मिटाने का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा था कि एजेंसी आरोपी नेताओं को टॉर्चर कर रही है, उन्हें प्रताड़ित करके बयान लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम कांग्रेस ने नीतीश कुमार के सहारे अरविंद केजरीवाल से शुरू की। शराब घोटाले से जर्जर हो चुकी आम आदमी पार्टी की तरफ से संकेत भी अच्छे मिले, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस के अंदर ही अंदर संग्राम छिड़ गया। अरविंद केजरीवाल की सीबीआई पूछताछ से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो कांग्रेस में कलह शुरू हो गई। खास तौर से दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को तो पार्टी का ये फैसला जरा भी पसंद नहीं आया। अजय माकन ने तो सोशल मीडिया पर कई वजहें गिनवाते हुए कहा कि केजरीवाल से किसी तरह की सहानुभूति या समर्थन की आवश्यकता नहीं। माकन के अलावा भी कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें केजरीवाल का साथ मंजूर नहीं है।
इससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के समय भी इस तरह का कंफ्यूजन देखने को मिला था। पार्टी अध्यक्ष के रुख का इशारों में विरोध करते हुए अजमाकर ने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल और उनके सहयोगियों को कोई सहानुभूति या समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष ने ये कहा कि शराब घोटाला के आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल ने भ्रष्ट तरीकों से अर्जित धन का उपयोग पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया। माकन ने अन्ना हजारे के आंदोलन और लोकपाल विधेयक को लेकर पार्टी बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल ने सत्ता में आने के 40 दिन बाद फरवरी 2014 में एक मजबूत लोकपाल बिल की मांग करते हुए अपनी ही सरकार को भंग कर दिया और इसके बावजूद दिसंबर 2015 में लोकपाल विधेयक का कमजोर संस्करण पेश किया गया जो 2014 में प्रस्तावित मूल विधेयक से बहुत अलग था। उन्होंने कहा कि इससे केजरीवाल के असली चरित्र और मंशा का पता चलता है। माकन ने ये भी अपील की है कि कांग्रेस से जुड़े वकील केजरीवाल का केस न लड़ें। कांग्रेस संचालन समिति के सदस्य और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पक्ष अदालत में रख रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं। बात सिर्फ माकन की नहीं है, बात आगे बढ़ेगी तो हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात और पंजाब तक भी ऐसी ही आवाजें उठने लगेंगी और तब कांग्रेस के लिए हालात पर काबू पाना आसान नहीं रह जाएगा। अलका लांबा और संदीप दीक्षित जैसे नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं और शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी और केजरीवाल से पूछताछ का समर्थन किया है। अलका लांबा ने तो केजरीवाल की ओर से सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी, विधानसभा में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस दिए जाने के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए पूछा क्या इन्हें कोई कांग्रेसी कैसे समर्थन दे सकता है। संदीप दीक्षित ने अजय माकन के ट्वीट को साझा करते हुए अपनी राय जाहिर कर दी है। सूत्रों का कहना है कि जिस पार्टी ने उनसे दो राज्यों में सत्ता छीन ली और दिल्ली में शून्य पर पहुंचा दिया उससे गठबंधन करना ठीक नहीं है। दिल्ली के सीबीआई ऑफिस की सैर कर अरविंद केजरीवाल लौट आए और सीबीआई की तारीफ भी कर डाली कि उनसे अधिकारी दोस्ताना ढंग से पेश आए, लेकिन पूछताछ के दौरान उन्होंने सवालों के क्या जवाब दिए ये सीबीआई के सिवा किसी को नहीं पता है। लेकिन इधर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है और ईडी के मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीलों पर भी गौर किया कि एजेंसी इस महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के साथ आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। रावत एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को इस मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अधिकारियों ने कहा था कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। बाद में उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सीबीआई ने बीते दिन ही आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में उनसे करीब 56 सवाल पूछे और उन्होंने इन सभी के जवाब दिए। केजरीवाल ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आबकारी नीति का पूरा मामला फर्जी है, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी गलत है, ये गंदी राजनीति का नतीजा है। उन्होंने सीबीआई मुझसे दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण तरीके से सवाल पूछे, मैंने उनकी ओर से पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, कहा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सबसे पहले सीबीआई की एंट्री हुई, उसके बाद ईडी की मनीष सिसोदिया सहित कई सलाखों के पीछे पहुंच गए। लपेटे में अरविंद केजरीवाल भी आ गए। एक दिन पहले ही वे सीबीआई के दफ्तर में सवालों के जवाब देकर लौटे। ईमानदार कट्टर ईमानदार शराब घोटाला फर्जी है और इस तरह की बातें बोलकर अरविंद केजरीवाल का गला सूख गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी भड़ास एलजीवी के सक्सेना पर निकाली। वजह ये कि एलजी की सिफारिश पर ही सीबीआई की इस मामले में एंट्री हुई और ईमानदार सियासत की बातें करने वाली पार्टी की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। इसलिए एलजी के इनकार के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया और सबसे पहले एलजी के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बना दी। आरोप लगाया गया कि दिल्ली की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सरकार और राजभवन के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। सत्र बुलाए जाने पर एलजी की ओर से जताई गई आपत्ति का विरोध करते हुए सीएम के नाम लिखे लेटर को लीक करने का आरोप लगाया गया।
केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से इसकी जांच की मांग कराए जाने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष ने इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है। दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने सदन में एलजी द्वारा कार्रवाई को लेकर की गई आपत्ति और चिट्ठी लीक मामले की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा है। उन्होंने ये भी कहा, ये देखा जा सकता है कि क्या इस मामले में एलजी को समन भेजा जा सकता है क्या, यानी एलजी को भी विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने की संभावनाओं को देखने को कहा। एलजी द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराए जाने के मामले पर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा सदन में कहा कि एलजी साहब ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जबकि मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में पूछताछ में शामिल थे और एलजी साहब ने ये चिट्ठी मीडिया को दे दी। एलजी दफ्तर से इस तरह पत्र का लीक हो जाना गंभीर विषय है। एलजी दफ्तर द्वारा खबर प्लांट की गई। एलजी दफ्तर द्वारा मुख्यमंत्री को चिट्ठी के मामले में जांच होनी चाहिए कि आखिर चिट्ठी कैसे लीक हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा को अधिकार है कि दिल्ली सरकार की सिफारिश पर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर सत्र को जब चाहें बुला सकते हैं। दिल्ली विधानसभा एलजी हाउस विधायक को और सभी बाबुओं की तनख्वाह को देता है। राजनीतिक कारणों से एलजी साहब को सुप्रीम नहीं बनाए, बल्कि दिल्ली विधानसभा सुप्रीम है। दिल्ली विधानसभा के बारे में झूठ प्रसारित किया जा रहा है, जबकि इसी दिल्ली विधानसभा के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। एलजी द्वारा दिल्ली विधानसभा हाउस के प्रिविलेज पर सवाल उठाया गया, जो गलत है। दिल्ली विधानसभा को पावर देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी, बल्कि देश के संविधान ने दी है और हम स्पीकर के साथ हैं। इसके पहले एलजी ने विशेष सत्र पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उचित प्रक्रिया के बिना सदन बुलाने की सिफारिश की गई है और 17 अप्रैल को बुलाया गया एक दिवसीय विशेष सत्र नियमों के तहत नहीं है, इसलिए इसे नहीं बुलाया जाए। साथ ही उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा कि यह चकित करने वाला है कि इस एक दिवसीय विशेष सत्र के लिए कोई लिस्ट ऑफ बिजनेस पहले से सूचीबद्ध नहीं किया गया, जिससे कि सदन में हिस्सा लेने वाले सदस्य विषय की पूरी तैयारी कर सके और विधानसभा पहुंचे। रिपोर्ट News of India.